शायद तक मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर नेपोलियन के बारे में बताया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटकम रहा था वो था नेपोलियन। तो ये नेपोलियन का अगर आप केस देख सकते हो तो वो भी एक रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री था, क्योंकि नेपोलियन जहाँ जहाँ यूरोप के अंदर जाता है वहाँ पे अपनी तलवार चलाएगा, और वो तलवार चलाने के बाद सबके सब यूरोपियन स्टेट्स को इकट्ठा कर देगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री। सेकेंडली, नेपोलियन के पतन के बाद आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 1815 का वियना ऑर्डर, या वियना कांग्रेस, या कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, या मेटरनिक सिस्टम, इसको तीन चार सिनोनिम से जाना जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि पुरानी जो मोनार्कीज थी उसको वापस पावर के ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे, और वो जब पावर के ऊपर लेके आएंगे तो अगेन दे विल ड्रॉ न्यू बाउंड्रीज। तो ये भी एक नई बाउंड्रीज बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज का ही एग्जाम्पल देख सकते हैं। तीसरा इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज का, तो हो सकता है कि वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज। तो बहुत ही भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर चलता है ये, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि वॉट इज रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, के किस तरह से होता है। और अगर इसका एक और एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज का, तो वो है आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द ब्रेकिंग अप ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज बेसिकली रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो है डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स को लेके, कि जहाँ जहाँ राष्ट्र राज्य बने वही सब राष्ट्र राज्यों का निर्माण जिस तरह से होता है, तो उसी को ही हम लोग रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। 47 में जो हुआ वो भी रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री था, 1870 के अंदर जो हुआ वो भी रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री था, 1799 से लेके 1815 के बीच में यूरोप में जहाँ 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 नेपोलियन जाता है वहाँ पे भी नई बाउंड्रीज ड्रॉ करेगा, क्योंकि नेपोलियन की तलवार चलती थी तब। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया है नेपोलियन को लेके किस तरह से वो करता है। थर्डली, यहाँ पे जो वियना ऑर्डर हुआ है नेपोलियन के पतन के बाद, तो वहाँ पे भी नेपोलियन का जो भी सिस्टम उसने क्रिएट किया था उसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा, और वो भी आपका रिड्रॉल ऑफ बाउंड्री ही हम लोग कह सकते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में शुरू हुआ, 1815 में नेपोलियन का एंड होता है, और नेपोलियन के एंड होने के बाद हमने आपको ये भी बताया कि रिवॉल्यूशन एंड हो जाता है। थर्डली, ये रिवॉल्यूशन उसके बाद फिर से 15 साल के बाद एक दो बार फिर से अपना सर उठाने की कोशिश करेगा, जब 1830 के जुलाई के अंदर जुलाई रिवॉल्यूशन होगा, और फेब्रुआरी 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर दूसरी एक फेब्रुआरी क्रांति कहते हैं वो भी होती है, एंड फाइनली 1871 में आते आते फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो इसके लिए हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई इट इज़ नॉट एन इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ अ लिविंग लेजेंड, इट इज़ अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ना पूछो बात, उतना का उतना पूरा चलता ही रहता है। सो ये फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति के अंदर मैंने आपको ये सब के टॉपिक्स बता दिए हैं। 1792 में नेशनल कन्वेंशन, जैकोबिन्स डायरेक्ट्री, राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन पावर के ऊपर आता है, नेपोलियन अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देगा, नेपोलियन यहाँ पे रिफॉर्म भी करता है, नेपोलियन बहुत युद्ध भी करेगा, और फाइनली नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन वॉज डिफिटेड एट वाटरलू 1815 के अंदर, जहाँ पे प्रशिया और ब्रिटेन और आदि इत्यादि की जो कंट्रीज की सेना हुआ करती थी वो उसको हरा देती है। हमने ये भी देखा था। अब देखिए यार, कि मैंने आपको बताया कि नेपोलियन ने इटली को कन्क्वेस्ट किया था, नेपोलियन कन्कर्ड इटली समवेयर इन 1796। 1796 के आसपास नेपोलियन इटली को अपने राज के अंदर कर देता है, बट इसके पहले जो नेपोलियन ने कन्क्वेस्ट किया, तो इटली यूज टू बी डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। जैसे यहाँ पे एक स्टेट हुआ करता था सार्डेनिया, यहाँ पे हुआ करता था जिनोआ, बीच में आपके पपाल स्टेट्स हुआ करते थे जो बेसिकली पोप के द्वारा चलाए जाते थे, इसके नीचे यहाँ पे किंगडम ऑफ सिसिली हुआ करता था, और ऊपर आपका वेनिस और लोम्बार्डी करके दो सिटी हुआ करते थे। आपने वेनिस देखा ही होगा कि बहुत सारे मूवीज के अंदर दिखाया है, वो बोट के अंदर बैठ के लोग गाना गाते रहते हैं, बट बहुत सारे लोग जाते भी हैं टूरिज्म के लिए, बट ये जो वेनिस था, ये वेनिस का बेसिकली ऑस्ट्रिया उसके ऊपर रूल किया करता था। पिडमोन सार्डेनिया के अंदर उनका जो लोकल डायनेस्टी था उसका नाम था सेवॉय, ये सेवॉय वंश वहाँ पे राज किया करता था। वेनिस लोम्बार्डी के अंदर ऑस्ट्रिया राज किया करता था। ये दूसरे जो बीच के सेंट्रल एशिया सेंट्रल इटालियन स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे थे पार्मा, मॉडना, टस्कनी, वहाँ पे ऑस्ट्रिया के ही राजा, उनके ही भाई भतीजों को सेट किया जाता था, और सेंट्रल इटली में बेसिकली पोप रूल करता था।
बट ये कंडीशन इटली की 1796 के आसपास थी जब नेपोलियन वहां पे जाता है। उसके बाद नेपोलियन की तलवार चलेगी नीचे नेपल सिसली का जो स्टेट बताया मैंने आपको, वहां पे बर्बन डायनेस्टी हुआ करते थे। ओके, बट नेपोलियन जब वहां पे जाता है तो नेपोलियन वहां पे अपनी तलवार चलाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा जो इटालियन एम्पायर था या इटालियन स्टेट से उसको कन्क्वर कर देगा नेपोलियन। ओके, तो 1796 के अंदर नेपोलियन इटली को कन्क्वेस्ट करता है और उसके बाद यहाँ पे यूनिफाई कर देगा इटली को, और इटालियंस के अंदर बेसिकली जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करा देता है नेपोलियन। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा कि नेपोलियन किस तरह से 1806 तक आते आते यूरोपीय जो कोलेशन था, जो अलायंस था, उसके ऊपर अटैक करने आई थी, उनको भी शिकस्त दे देता, उनको भी थोड़ा बहुत फाइट करेगा। उसके बाद वो नेपोलियन जर्मनी भी जाएगा, जर्मनी के अंदर भी 300 स्टेट्स हुआ करते थे और वो 300 स्टेट्स को 39 स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला इंसान था। इसके साथ साथ नेपोलियन ने इंग्लैंड को भी शिकस्त देने की कोशिश की थी, जब एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो बेसिकली एक ट्रेड बैरियर के तौर के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की थी, और इसके साथ साथ उसने स्पेन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और वही स्पेन के कारण उसको अल्सर हो गया, और उसके बाद स्पेनिश आर्मी को अल्सर से ही कैंसर होता है, और ये जो नेपोलियन आर्मी थी वो अपनी पीछे हट करेगी। एंड फाइनली इन 1813 नेपोलियन लिप्ज़िग में हारता है, एक साल के बाद वापिस आएगा, और 1815 में अल्टीमेटली वो वाटरलू में भी हार जाएगा। ओके, सो यू विल सी कि नेपोलियन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने लास्ट क्लास में नेपोलियन को पढ़ाया था, अब थोड़ा उसी का ही एक कंटिन्यूएशन करते हैं कि व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड नेपोलियंस डिफीट, नेपोलियन की हार के पीछे क्या क्या कारण थे। पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था वो था नेपोलियन की खुद की गलतियाँ। ही वॉज वेरी मच एम्बिशियस, वो तो चाहता था कि भाई पूरी दुनिया के अंदर उसकी तलवार चले, उसकी ही स्वॉर्ड से सब कुछ पूरी दुनिया के ऊपर रूल हो जाए, और इसने किया क्या कि यहाँ पे अपने आप को मोनार्क डिक्लेयर कर दिया। मोनार्क डिक्लेयर के साथ साथ जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो भावना को उसने दबा दिया। सो ही अंडर एस्टिमेटेड नेशनलिज्म अमंग द इटालियंस, अमंग द जर्मन्स एंड अमंग द स्पेनिश एज वेल, और वही स्पेनार्ड्स ने उनके खिलाफ फिर बगावत कर दी, बोले नेपोलियन चाहिए नहीं हमको, नेपोलियन हमले लिए अच्छा दिन लेके आया था, बट लेटर ऑन नेपोलियन ने जब उनका एक्सप्लोटेशन करना शुरू किया कि भाई खुद की हुकूमत चालू करने के बाद, तो यही स्पेनार्ड्स ने उसको यहाँ पे शिकस्त दे दी। थर्डली नेपोलियन 1799 से इनफैक्ट 1815 तक आप देखते रहोगे कि कंटिन्यूसली वॉर करता रहा, और एक वॉरिंग स्टेट और एक वॉरिंग जनरल आपको देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म में उसके स्टेट के लिए बहुत ही नुकसानकारक होगा। और यहाँ पे नेपोलियन 15-16 सालों तक कंटिन्यूसली युद्ध कर रहा था, और इसके कारण थक गया, उसकी सेना भी थक गई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी इशू आता है कंटिन्यूस, स्पेनिश ने तो उसके सामने नाक में दम कर दिया था, गुरिला वॉरफेयर कर रहे थे। ओके, इसके बाद नेपोलियन को सबसे पहला फटका रशिया से पड़ेगा, जब वो 1812 में रशिया के ऊपर अटैक करेगा, और फिर रशियंस और बेसिकली रशियन विंटर्स जो भी थे वो भी उसको अच्छा खासा फटका देते हैं। ओके, तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे नेपोलियन का जो कंटिन्यूस वॉर था, और वॉर की जो शिकस्त की शुरुआत रशिया से होती है। अब देखेगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी यही रशिया के कारण आप बोल सकते हो कि हिटलर की जो आर्मी थी वो रिट्रीट करती है। ओके, तो कंटिन्यूसली ये चीज़ देखने को मिलता है। थर्डली नेपोलियन कुडंट चैलेंज द नेवल पावर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन एक बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली देश बन चुका था, और नेपोलियन ने आर्मी के थ्रू यहाँ पे राज करने की कोशिश की, ऊपर से वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आया था, उसके कारण उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, ये भी बहुत सारे हिस्टोरियंस और आलोचक का कहना है, और इसी के कारण नेपोलियन की डिफीट हो गई। ओके, तो नेपोलियन फिर उसके बाद एग्जाइल में उसको भेज दिया जाता है 1815 में, और उसके बाद वहाँ पे ही वो एकांतवास में ही मारा जाएगा, कि उसकी वहाँ पे ही मौत हो जाती है। ओके, अब देखिएगा कि नेपोलियन जब गुजर गया और नेपोलियन को हरा दिया इन्होंने, तो सबके सब यूरोपियन जो कोलेशन के राजा लोग थे वो बहुत खुश हुए थे, बोले चलो हमारे यूरोप से जो आदमी सबसे ज़्यादा बवाल करता था वो भेजा, उसको भेज दिया यहाँ से। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कंसर्ट, एक मीटिंग बुलाएंगे वियना के अंदर, और उसी को ही हम लोग कहते हैं वियना ऑर्डर। इनका लीडर हुआ करता था मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का प्रिंस हुआ था करता था, और उसने ये सब किया। उसके बाद ये वियना ऑर्डर ने बेसिकली पुरानी सिस्टम्स को रिस्टोर करने की कोशिश की, और जब ये पुरानी सिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश की, और बेसिकली जो मोनार्की नाम की जो चीज़ थी वो मोनार्की वापस लाने की कोशिश की, तो आपको जानकारी मिलती है कि फ्रांस के अंदर फिर क्रांति हो जाएगी, क्योंकि 1815 में जब नेपोलियन को हराया उसके बाद यहाँ पे रिस्टोर मोनार्की की गई, और फिर से वही आपकी जो
बर्बन डायनेस्टी थी उसी का ही राजा फिर से फ्रांस में आ जाता है। अभी वो राजा को तो फ्रांस की प्रजा ने 1789 में जब क्रांति किया और 1792 में उसको गुलेटिन करके खत्म ही कर दिया था, बोले राजाशाही चाहिए ही नहीं। बट यू सी कि हिस्ट्री एक नया ट्रेंड आपको, नया एक साइन दिखाएगी और यहाँ पे रिवर्स होगा। 1850 में मेटरनिक, फिर यहाँ पे जो 48 की क्रांति हो उसके बाद उसको ज़्यादा टिकता नहीं है और वो वहाँ से इंग्लैंड भाग जाएगा और वहाँ से ही सिस्टम आपको मेटरनिक सिस्टम के बारे में देखने को मिलता है। ओके, तो पोस्ट नेपोलियन डेवलपमेंट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एक साइड के ऊपर फ्रांस था, दूसरे साइड के ऊपर ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन आदि इत्यादि देश, और उसमें भी जो ऑस्ट्रिया का जो लीडर हुआ करता था, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं उनको, मेटरनिक जो थे वो यहाँ पे, ऑस्ट्रियन प्रिंस हुआ करते थे, वो यहाँ पे एक मीटिंग कन्वे कराएंगे यूरोपियन किंग्स की 1815 के अंदर कि भाई चलो अब नेपोलियन गया है, नेपोलियन ने बहुत सारे लोगों की सत्ता हाथ से ले ली थी, नेपोलियन ने बहुत सारे लोगों को हटा दिया था अपने पावर से, बहुत सारे राजा को शिकस्त दी थी, उनको ख़त्म कर दिया था, एंड एज अ रिजल्ट इसको लगता है ओके, तो इन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वियना कांग्रेस थी। वियना कांग्रेस के अंदर मैंने आपको बताया कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन द मेजर यूरोपियन पावर्स ऑफ द डे मेट इन वियना ऑस्ट्रिया टू एस्टेब्लिश अ प्लान फॉर पीस एंड रिसॉल्व अदर प्रॉब्लम्स दैट वर क्रिएटेड बाय द नेपोलियन। नेपोलियन ने कौन से प्रॉब्लम किए थे कि भाई नेशनलिज्म लेके आया, ये नेशनलिज्म बहुत सारे कंट्रीज को पसंद नहीं आया कि जहाँ जहाँ नेशनलिज्म आएगा वहाँ मोनार्की खत्म हो जाएगी। नेपोलियन ने मोनार्की खत्म की, नेशनलिज्म लाया, फिर अपने आप को राजा भी डिक्लेयर करा दिया। सो यू विल सी कि ये कांग्रेस ऑफ वियना बेसिकली ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और लेटर ऑन फ्रांस के जो लुई डायनेस्टी हुआ करती थी, जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसके अंदर मिलते हैं। ओके, सो यू विल सी कि ये वियना के अंदर बहुत सारे लोग मिले, जैसे प्रिंस मेटरनिक जो यहाँ पे होस्ट हुआ करते थे, रशिया का राजा है अलेक्जेंडर। 1812 में नेपोलियन ने रशिया के ऊपर अटैक किया था तो इसको भी गुस्सा था। यहाँ पे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आया कैसलरी, तो उसको भी गुस्सा था नेपोलियन से क्योंकि नेपोलियन ने उसकी भी टेरिटरीज लेने की कोशिश की थी। फ्रांस का एक फॉरेन मिनिस्टर था जिसका नाम था टैलीरैंड, वो आता है, और साथ साथ प्रशिया का राजा विलियम फ्रेडरिक III वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और इन सबको नेपोलियन से गुस्सा था कि भाई नेपोलियन ने बहुत आग लगाई है यहाँ पे और नेपोलियन को ख़त्म करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा कि बोले नेपोलियन ने जो जो किया उसको रिवर्स कर दो। ओके, सो बेसिकली मेटरनिक बोलता था कि आई विल ब्रिंग बैक दी ओल्ड सिस्टम इन यूरोप वंस अगेन, जो नेपोलियन और उनके जितने भी साथी लोग ने यहाँ पे बढ़ाई थी उसको मैं वापस लाऊंगा। और इसके बाद ये मीटिंग के 3 गोल थे। पहला गोल आपको जानकारी मिलेगी कि दिस कंसर्ट वॉज टू स्टॉप ग्रोइंग इजम्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इसी को ही हम लोग मेटरनिक सिस्टम कहते हैं। ये इजम्स कौन से हुआ करते थे? एक था लिबरलिज्म, दूसरा था नेशनलिज्म, तीसरा था रिपब्लिकनिज्म। ये जितने भी इजम्स थे दे वर हार्मफुल टू मोनार्किज्म, और ये लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म वर हार्मफुल टू मोनार्किज्म, एंड एज अ रिजल्ट दिस मोनार्किज्म आइडियोलॉजी ट्राइड टू स्टॉप दिस आइडियोलॉजीज ऑफ स्प्रेड। बोले यहाँ पे इसको, इसका स्प्रेडिंग नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी प्रोलिफरेटेड, दे शुड नॉट बी मल्टीप्लेटेड, वरना हमको ले डूबेगा। एसेंशियली ये पूरी की पूरी जो मीटिंग होती है वियना की वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, और यही कंजर्वेटिव सिस्टम 3 गोल्स देगी। पहला गोल था वो था बैलेंस ऑफ पावर, बोले सिस्टम को बैलेंस करना है। दूसरा था यहाँ पे लेजिटिमाइज करना है, और तीसरा यहाँ पे जो भी लोग जीते हैं ना उनको थोड़ा बहुत पावर भी मिलना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बेकार के वॉर किया है, नेपोलियन को पराजय किया तो कुछ तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि यार राजा है तो अल्टीमेटली कुछ तो लेके जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट यू विल सी कि दिस होल आइडियोलॉजी और होल मीटिंग वॉज एंटी लिबरल, एंटी नेशनल एंड एंटी पीपल, एंड दे वॉन्टेड टू क्रश द रिवॉल्यूशन एंड दे वॉन्टेड टू रिस्टोर दी एब्सोल्यूट मोनार्कीज। ये एब्सोल्यूट मोनार्कीज को फ्रांस की क्रांति ने और नेपोलियन ने चैलेंज किया था, उन सभी चीज़ों को ये लोग वापिस लेके आएंगे। तो यही थी फ्रांस की क्रांति की जो 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 आपको गूंज सुनने को मिलेगी कि लोग इतने खौफ में थे। और अल्टीमेटली मेटरनिक ये बताता भी है, इन यूरोप डेमोक्रेसी इज अ फॉल्सहुड, बोले आ ही नहीं सकती, बोले आई डू नॉट नो वेयर इट विल एंड बट इट कैन नॉट एंड इन क्वाइट ओल्ड एज, बोले नहीं हो पाएगा, बोले करने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं हैं। अब यहाँ से ही मेटरनिक यहाँ पे ये जो सिस्टम थी उसी का लागू करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेटरनिक सिस्टम। ये मेटरनिक सिस्टम के तहत यहाँ पे ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। अब देखिएगा कि बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली इसके लिए किया गया कि पीस और शांति यहाँ पे मेंटेन हो पाए, और पीस और शांति यहाँ पे तभी मेंटेन हो पाएगी जब यहाँ पे फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस बहुत पावरफुल हो चुका था, उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ा जाए।
और फ्रांस की स्ट्रेंथ को तभी तोड़ सकते हैं जब फ्रांस की आजू बाजू में जितने भी स्टेट्स है उनको पावरफुल कर दो, फ्रांस से उनकी ही टेरिटरीज ले लो। फ्रांस ने जो भी बचबचाई हुई थी, नेपोलियन ने जो भी इनसे छीन ली थी टेरिटरीज, वो सब छीनी हुई टेरिटरीज को वापस ले लो, एंड यू विल सी दैट द फ्रांस शुड बी सराउंडेड बाय द स्ट्रॉन्गर स्टेट्स एज वेल एज यू विल सी। और इसी के कारण इटली की एक टेरिटरी हुआ करती थी जिनोवा, ये जिनोवा किसको दे दिया, पीडमोंट सार्डिनिया को, जहाँ पे सेवोय डायनेस्टी रूल किया करती थी, और ये सेवोय डायनेस्टी यहाँ पे फिर से पावर के ऊपर आती। ओके, सो ये जिनोवा आपको दिख रहा है, और ये जिनोवा को बेसिकली यहाँ पे दे दिया जाता है इसके द्वारा 1815 की वियना कांग्रेस के द्वारा। साथ ही साथ प्रशिया, जो जर्मनी उस टाइम पे बना नहीं था बट उसी का ही एक बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था, ये प्रशिया को भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन किया जाता है कि भाई तल तू भी थोड़ी बहुत टेरिटरीज ले ले। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक दूसरा आइडिया दिया था, वो था लेजिटिमसी का, बोले सब यहाँ पे लीगलाइज कर दो। लेजिटिमसी वही थी कि हम लोग मोनार्की को वापस ला दे भाई, मोनार्की इज द ओनली लेजिटिमाइज थिंग, रिपब्लिकनिज्म इज नॉट द लेजिटिमाइज थिंग। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि इन्होंने ये लेजिटिमसी को इम्पोज कराया, जहाँ जहाँ बर्बन डायनेस्टी जैसे फ्रांस के अंदर से हटाई, स्पेन के अंदर से हटाई थी नेपोलियन ने, नेपल्स और सिसली जो इटली के साउदर्न इटली के स्टेट्स हुआ करते थे, ये नेपल्स और सिसली के अंदर को भी जहाँ नेपोलियन ने तरखाट मचाया था वहाँ पे ये सब हाउसेस को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। बोले चल बेटा तू भी राजा बन जा, नेपोलियन ने गलत किया था, हम तुमको फिर से राजा बनाते हैं। तो इनको तो वो था ना कि सपना आ गया पर अच्छा हुआ। थर्डली यहाँ पे नेपोलियन ने इटली के अंदर जो पीडमोन सार्डिनिया करके जो स्टेट था नॉर्थ वेस्ट इटली का, उसको ख़त्म कर दिया था, वहाँ पे फिर से वो जो सेवोई डायनेस्टी थी जो लोकल हुआ करती थी इटली की, उसको रिस्टोर कराया। साथ ही साथ नेपोलियन ने पोप के पावर को ख़त्म कर दिया था सेंट्रल इटली में, तो वो पोप के पावर को यहाँ पे सेंट्रल इटली के अंदर इम्पोज कराया गया है, और बाकी इटली के जो स्टेट्स थे परमा मॉडेना टस्कनी, उसको भी 1815 में फिर से ऑस्ट्रिया के जितने भी राजा लोग थे उनके हाथ में दे दिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया के राजा के भाई भतीजे फिर से उनको मजा आ गई 1815 के अंदर। ओके, सो यू विल सी कि लेजिटिमाइज कर दिया, और जो जो नेपोलियन ने किया था उसको रिवर्स कर दिया जाए। ओके, हेंस यू विल सी दैट ये इंसान बोलता है मेटरनिक क्या है, वंस अगेन कन्वर्टेड इटली इनटू ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑल्प से लेके मेडिटेरेनियन की पहाड़ी तक जो विस्तार था उसी को ही इटली कहा करते थे। जैसे है ना इंडिया, जो इंडस नदी के इस साइड वाले लोग थे, और बेसिकली जो सिंधु नदी के इस साइड वाले जो लोग थे, और वहाँ से हिंदू जो शब्द है, बोले हिमालय की पहाड़ी तक नीचे अरबी समुद्र तक का जो विस्तार है इंडियन ओशन तक का, उसी को इंडिया कहते हैं। ओके, तो एक मेरी एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन थी, और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे, उनको सब यूनिफाई 1947 में किया। बट यहाँ पे जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने इटली को एक करने की कोशिश की थी, बट 1815 में ये मेटरनिक यहाँ पे बोल देता है कि है वंस अगेन कन्वर्टेड इटली इनटू अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, मैंने फिर से इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तीसरा आउटकम ऑफ द मीट के अंदर कट आपको देखने को मिलता है वियना कांग्रेस में कि विक्टर्स शुड बी रिवॉर्डेड, ये विक्टर्स जो जो लोग ने युद्ध किया था नेपोलियन के विरोध में उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए, केक कटेगा सब में बटेगा। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट द राइनलैंड व्हिच वाज द अल्टीमेट एरिया व्हिच वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन, ये प्रशिया को दे दिया जाता है। पोलैंड नाम का विस्तार जहां पे नेपोलियन गया था और वहां पे थोड़ा बहुत पॉलिश यूनिफिकेशन कराने की कोशिश की थी, वो पोलैंड रशिया को दे दिया जाता है कि भाई तू भी लेके जा। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रशिया का और भी एरिया मिलते हैं जहाँ स्वीडिश पर्मेनिया सेक्सोनी जैसे रीजन थे जो फ्रांस नेपोलियन ने वहाँ पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश की थी तो वो भी ले लिया। लोम्बार्डी और वेनिशिया ऑस्ट्रिया ने बताया कि भाई चलो भाई ये तो हमको देना ही चाहिए, ये इटली के बहुत बड़े स्टेट्स थे और नेपोलियन ने यहाँ पे भी एकीकरण कराने की कोशिश की थी तो हम इसको भी ले लेंगे। और यहाँ पे फाइनली आपको देखने को मिलता है कि जो होली रोमन एम्पायर, ये होली रोमन एम्पायर जो नेपोलियन ने डिसइंटीग्रेट कर दिया था, जो पोप के पावर को ख़त्म कर दिया था, वो रिस्टोर कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पे सेंट्रल इटली के अंदर पोप को भी जगह मिल जाती है। तो यू विल सी के 1796 के अंदर जो यूरोप की कंडीशन थी वही कंडीशन को वापस लाने की कोशिश की है 1815 के वियना कांग्रेस के द्वारा। ओके, तो उसी को ही मेटर्निक सिस्टम कहेंगे, मेटर्निक ऑर्डर कहेंगे, और इसके अंदर में ही आपको जानने को मिलता है। तीसरा इश्यू था वो था जर्मनी का। अब जर्मनी बेसिकली नेपोलियन ने 300 स्टेट में से 39 स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये 300 में से 39 में जब कन्वर्ट किया तो इनके बीच में कॉमन पार्लियामेंट जैसी बना दी थी जिसे डायट कहते हैं, और यहाँ पे ये 39 के रिप्रेजेंटेटिव्स आया करते थे,
और ये लोग मिलके नेपोलियन यहाँ पे अपना सुपरविजन करता था। बट अभी दिक्कत ये आ रही थी ये मेटर्निक को कि भाई ये 39 को वापस 300 में कर सकते हैं, कैन वी रिवर्स दिस? बोले यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोले यू कैन नॉट डिस इंटीग्रेट अगेन दिस 39 पीसेस टू 300। तो बोले क्या किया जाए? तो इन्होंने इसके लिए फाइनली डिसाइड किया कि भाई जर्मनी को इंटैक्ट रखो, बट जर्मनी के ऊपर किसका शासन रहना चाहिए? बोले ऑस्ट्रिया का शासन रहना चाहिए। ओके, सो ऑस्ट्रियन प्रिंस वॉज मेड द रूलर ऑफ जर्मनी एंड यू विल सी के एक्सेप्ट पीडमोंट एंड सर्डेनिया। आपको जानकारी मिलती है वो चाहे इटली हो या जर्मनी हो, आजू बाजू के जितने भी प्रदेश हो वहाँ के बाहर के लोगों को सत्ता दे दी गई थी। पीडमोंट सर्डेनिया जो हाउस ऑफ सेवई था वही खाली इटली का एकमात्र, दैट वॉज द ओनली लोकल किंग हु यूज टू फंक्शन एंड एग्जिट एट दैट टाइम। ओके, तो ये मैटर्निक सिस्टम थी। ये मैटर्निक सिस्टम ने आपको जानकारी मिलती है कि इतना बड़ा जर्मन एम्पायर बनाया। ओके, तो फ्रांस का एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था। ओके, ऑस्ट्रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यही सिस्टम इनके द्वारा बनाई गई थी इसके साथ। अब देखेगा कि ये मैटर्निक ने सिस्टम बना दी और यूरोप के लोगों को कब तक आपको जानकारी लगता है कि वो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? डू यू थिंक दैट द सिस्टम क्रिएटेड बाय मैटर्निक विल बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ यूरोप? क्योंकि ये लोग यूरोप के लोग आइडियोलॉजिकली कल्चरली सोशली इकट्ठे हो चुके थे। नेपोलियन ने इनको अच्छा खासा डंका चखा दिया था और इनको बहुत मजा भी आई थी, एंड एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ यूरोप रिएक्टेड और इन्होंने वियना कांग्रेस को रिजेक्ट करने की कोशिश की और वियना कांग्रेस ने इनकी जो नेशनल एस्पायरेशंस थी, इनकी राष्ट्रीय जो एक होने की महत्वाकांक्षा थी, इनकी जो एम्बिशन थी, उसको इन्होंने दरकरार करने की कोशिश की। बट हियर यू विल सी द फोर्स ऑफ नेशनलिज्म वॉज वेरी वेरी पावरफुल एक्टिंग बिहाइंड दिस होल स्टेट्स। और इसके कारण ही आपको जब वियना कांग्रेस ने 1815 में चीज़ों को रिवर्स किया तो जानकारी मिलती है कि 1830 और 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। बोले फिर से राजा को हटाओ, से 1789 के अंदर हुई थी। यही क्रांति के कारण 1830 का रिवॉल्यूशन हुआ और 1830 के रिवॉल्यूशन के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि बेल्जियम को हॉलैंड से अलग कर दिया जाता है। 1815 के अंदर जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें हॉलैंड को बेसिकली बेल्जियम का पोर्शन दे दिया जाता है और बेल्जियम के लोग को पसंद नहीं आया था कि भाई हमको हॉलैंड के अंदर नहीं रहना। तो 1830 में फ्रांस की क्रांति होगी, उसके कारण फिर से अलग अलग जगह के अंदर नेशनलिज्म की फोर्स आएगी और वो फिर से नेशनलिज्म की फोर्स इन लोग को दबा के हटाने की कोशिश करेगी। थर्डली आपको यहाँ पे जानने को मिलता है कि वियना कांग्रेस का ही रिएक्शन बहुत ही राष्ट्रवादी तरीके से देखने को मिलेगा जब यूरोप के अंदर राष्ट्र राज्य बनने की शुरुआत होगी। When you will see that the Italian and the German unification takes place, that will be the starting point of the reaction, or you can say of the development of the nation states. और उसी तरह से हम लोग आप इसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो जो नेपोलियन ने किया था वो नेपोलियन को रिस्टोर, उसका जो ऑर्डर से उसको रिस्टोर कराने की कोशिश 1815 में हुआ है और वही 1815 के कारण यहाँ पे आपको यूरोप की प्रजा को पसंद नहीं आएगा और वो यहाँ पे रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रिवॉल्यूशन 1830 के अंदर होगा, उसके बाद दूसरा 1848 के अंदर होगा। वही 1830 के रिवॉल्यूशन के कारण बेल्जियम नाम का प्रदेश जो 1815 के अंदर यहाँ पे वियना कांग्रेस के द्वारा हॉलैंड को दे दिया जाता है, वो बेल्जियम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। और इसी का ही कंटिन्यूएशन आपको जानकारी मिलती है जब इटली और जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन होगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कैसे 1813 और 1848 के रिवॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले 1830 का रिवॉल्यूशन, ये 1830 का रिवॉल्यूशन के पीछे आपको जानकारी होगी कि 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, इसके बाद 1815 में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेपोलियन का पतन होता है, द नेपोलियन फॉल्स, द नेपोलियन इज डिफीटेड इन यूरोप एंड लेटर ऑन द वियना कांग्रेस टेक्स प्लेस। दिस वियना कांग्रेस ट्राइज टू रिस्टोर द ओल्ड मोनार्कीज इन यूरोप एंड पर्टिकुलरली इन फ्रांस, एंड फ्रांस के अंदर फिर से वो जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, ये बर्बन डायनेस्टी के राजा को फिर से वहाँ पे बुला दिया जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इसी के कारण लोगों को गुस्सा आएगा और लोग 1830 और 1848 के अंदर यहाँ पे राजा के विरुद्ध में क्रांति करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे 1830 के रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और वहाँ पे एक ही चीज़ होगी कि 1830 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, वाई दी 1830 जुलाई रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन फ्रांस। पहले बात करते हैं 1815 के अंदर वियना सिस्टम आई। ये वियना सिस्टम ने मैंने आपको बताया कि पुरानी मोनार्कीज को फिर से पावर के ऊपर लेके आए, एंड ड्यू टू दिस थिंग यू विल सी कि एक पुराना राजा
जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था उसका नाम था लुई 18, और लुई 18 को फिर से पावर के ऊपर बुला दिया जाता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, ही वॉज हैविंग वेरी वीक पर्सनैलिटी, एंड वेन द नेपोलियन वॉज डिफिटेड तो ऐसे ही फ्रांस के लोगों का जो जो पावर था, जो जोश था, वो थोड़ा कम हो चुका था। एंड वेन ही वॉज अगेन ब्रॉड बैक टू पावर बाय मेटर्निक एंड हिज एक्सेम्प्लिसिस, तो यहाँ पे फ्रांस की प्रजा उसका विरोध नहीं करती, फ्रांस की प्रजा बोलेगी कोई बात नहीं, फिर से वही बर्बन डायनेस्टी के राजा को बुलाया है, नो इश्यूज, हमको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बट हुआ ये कि 1824 में लुई 18 को हटा के एक और राजा बर्बन डायनेस्टी से पावर के ऊपर आएंगे जिनका नाम था चार्ल्स 10। ये चार्ल्स 10 बेसिकली लुई 18 को सक्सीड करते हैं, बट ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस किंग। लुई 18 की तरह नहीं कि पुराना सिस्टम चल रहा है चलने दो, फ्रांस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था तो ज़्यादा पावर हमको नहीं चाहिए, जो भी है राजा है नाम के बहुत अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा बगैर। और इसी का ही कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा जुलाई 1830 के अंदर यहाँ पे चार्ल्स 10 जो राजा था वो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा। ये ऑर्डिनेंस के अंदर बेसिकली वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात करता है, वो यहाँ पे वोटिंग फ्रेंचाइजी जो थी, वोटर्स लोग की जो रजिस्ट्रेशन थी उसको डिक्रीज करेगा, वो प्रेस और सिविल लिबर्टी को कटेल करने की कोशिश करता है, और साथों साथ फिर से वहाँ के इलेक्शन सिस्टम को भी चेंज करेगा। और इसके लिए बोलते हैं कि अगेन ही वांटेड टू गेट बैक टू दिस एब्सोल्यूटिस्ट टाइम, जहाँ पे पुराने टाइम के अंदर जो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स हुआ करते थे जिस तरह के लुई डायनेस्टी के, तो बर्बन डायनेस्टी के, तो बोले उसी तरह के सिस्टम को ये वापस ले जाना चाहता था। और इसके कारण जब उसने ये सब चीज़ें की, यहाँ पे ऑर्डिनेंस इश्यू कराया और यहाँ पे पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, तो फ्रांस की प्रजा इसका जवाब देगी। फ्रांस की प्रजा को पसंद नहीं आता एंड दे डिसाइडेड दैट वी शुड टीच अ लेसन टू चार्ल्स 10 कि हाउ डेयर ही ट्राई टू कैप्चर द पावर वंस मोर फ्रॉम द पैन पीपल, फ्रेंच पीपल। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि फ्रांस की प्रजा ने उसके विरुद्ध में क्रांति कर दी। राजा को समझ में आ गया कि भाई हमारी हालत खराब हो जाएगी, किंग भाग गया और उसकी जगह एक नई डायनेस्टी आएगी जिसका नाम था ऑर्लियंस डायनेस्टी। तो बर्बन डायनेस्टी का एंड होता है और साथों साथ यहाँ पे एक नई डायनेस्टी पावर पे ऊपर आएगी जिसका नाम था ऑर्लियंस डायनेस्टी। ये ऑर्लियंस डायनेस्टी मैंने आपको बताया 1830 से लेके 1848 तक रूल करेगी, एंड अगेन इन 1848 यू विल रियलाइज कि फ्रांस की पब्लिक फिर से रिवोल्ट करेगी ऑर्लियन डायनेस्टी के विरुद्ध में। अब देखिएगा कि 1848 का जो रिवॉल्यूशन हुआ वो रिवॉल्यूशन के पीछे जुलाई 1830 में इनका पावर आना था। ओके, सो जुलाई 1830 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, लोग मैंने आपको बताया कि सड़कों के ऊपर आए, राजा को भगा दिया, और उसके बाद जुलाई 1830 के अंदर ही एक और नई डायनेस्टी पावर के ऊपर आई जिसका नाम था ऑर्लियन डायनेस्टी। ये ऑर्लियन डायनेस्टी का एक पावर, एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था लुई फिलिप। ये लुई फिलिप बेसिकली बहुत ही ठंडा इंसान, इसको कोई चेंज नहीं चाहिए था, इसको जैसा चल रहा है यूरोप के अंदर वैसा ही चलने दो, वैसी ही उसकी डिमांड थी। बट फ्रांस की प्रजा को बहुत सारे चेंजेस चाहिए थे। बेसिकली फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 के आसपास का जो टाइम था वहाँ पे समाजवाद की हवा चल रही थी, इट वॉज सोशलिज्म विच वॉज प्रिवेलेंट इन फ्रांस, एंड द फ्रेंच पीपल थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द वोटर फ्रेंचाइजी एंड इंक्रीजिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, और इसके लिए वो लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे थे। ओके, तो सोशियोलॉजी माइडेंसी द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म वॉज गेनिंग अक्रॉस फ्रांस, बट द किंग वॉन्टेड स्टेटस को, पीपल वॉन्टेड चेंज, एक साइड के ऊपर राजा, एक साइड के ऊपर प्रजा, दोनों को, एक को परिवर्तन चाहिए, एक को परिवर्तन नहीं चाहिए। 1848 तक आते आते प्रजा ने राजा से डिमांड कर दी कि भाई हमको वोटिंग फ्रेंचाइजी इसकी बढ़ा दो, हमको और भी फायदा मिलना चाहिए। राजा ने बोला सोचेंगे, हम आपको देख के बताते हैं, और इसके कारण लोगों को गुस्सा आ गया, लोगों ने गुस्सा इसका राजा के विरुद्ध में प्रकट किया, लोगों ने राजा को भगा दिया यहाँ से। और इसी के बाद आपको जानकारी मिलती है कि फिर से एक और इंसान जो नेपोलियन के वंश का हुआ करता था, नेपोलियन 3 जो पुराना जो राजा हुआ करता था, द ग्रेट एम्परर नेपोलियन, उसी का ही भतीजा हुआ करता था ये, और इसको यहाँ पे उसका नेफ्यू हुआ करता था, बेसिकली उसके नेफ्यू के तौर के ऊपर यहाँ पे फिर से उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सो फ्रॉम 1848 टिल 1871 यू विल सी दैट नेपोलियन 3, द नेफ्यू ऑफ द ग्रेट एम्परर नेपोलियन, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेगा, बनाया जाता है 1848 में। उसके बाद 1852 में ये नेपोलियन 3 अपने आप को फिर से राजा डिक्लेयर कर देगा फ्रांस का। तो फ्रांस के अंदर है ना, बीच बीच में फ्रांस रिपब्लिक बनता रहता था, कोई नया राजा आया बोले चलो फिर से रिपब्लिक, फिर प्रजा ने उसको हटा दिया फिर गया, फिर क्या है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी, फिर फ्रांस रिपब्लिक। तो इस तरह का फ्रांस का रिपब्लिक बनना चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, 1871 तक चलता रहा। उसके बाद
फिर फ्रांस की प्रजा के अंदर अकड़ आई कि भाई ये राजा लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो हमको इनको रोकना पड़ेगा। ओके, अब बेसिकली जुलाई 1830 और 1848 की जो इम्पैक्ट क्या हुई थी वो भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रह जानी चाहिए। ओके, तो इम्पैक्ट ऑन फ्रांस सबसे पहले 1830 की क्रांति की, जो कौन सी क्रांति थी कि भाई वो ऑर्डिनेंस वाली क्रांति, जहां पे चार्ल्स टेन वहां पे ऑर्डिनेंस लेके आता है, पावर को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ओके, अब देखिएगा कि पहली इम्पैक्ट क्या रही फ्रांस के ऊपर कि बर्बन डायनेस्टी, वो जो बर्बन डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे जो और एक के बाद एक आते थे, वो खत्म हो गई कि भाई आज के बाद कोई बर्बन डायनेस्टी यहाँ पे फ्रांस में चलेगी नहीं। बट बर्बन डायनेस्टी के बाद 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर सिस्टम चेंज नहीं हुई, बोले एक डायनेस्टी गई दूसरी डायनेस्टी आई, एक राजा गया दूसरा राजा आया और यहाँ पे एक और डायनेस्टी आती पावर के, जिसका नाम है ऑर्लियंस डायनेस्टी। तो ऑर्लियन डायनेस्टी कम्स टू पावर। इसके साथ साथ फ्रांस को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की भी कोशिश की गई कि भाई चलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाओ, मिडिल क्लास थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी इसकी जो इम्पैक्ट हुई थी 1830 के रिवॉल्यूशन की, वो थी आपके इम्पैक्ट ऑन यूरोप। अभी यूरोप के अंदर बेसिकली इसके कास्केडिंग इफेक्ट होगी। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब मैंने बताया ना कि डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है कि भाई एक गिरता है उसके बाद सबको गिरा देगा। तो फ्रांस के अंदर फिर से क्रांति हुई, 1815 ने जो ऑर्डर रिस्टोर कराने की कोशिश की थी वो ऑर्डर को फिर से फ्रांस की पब्लिक ने चैलेंज किया, फिर से फ्रांस की पब्लिक ने डिसाइड किया कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, और इसके कारण पूरे यूरोप के अंदर वहां पे फिर से मास रिवॉल्यूशन होते हैं। तो जहां जहां वियना कांग्रेस, याद रखिएगा कि जहां जहां वियना कांग्रेस ने यहाँ पे चेंज लाने की कोशिश की थी और फिर से जो मोनार्क्स बिठाया था उसके विरुद्ध में लोगों ने रिएक्शन दिया, और वही रिएक्शन पहले फ्रांस से शुरू होगा फिर से यूरोप के अंदर जाएगा। स्पेन हो, पोर्चुगल हो, इटली हो, पोलैंड हो, बेल्जियम हो, मैंने आपको बताया आती इधारी जगहों के ऊपर यहाँ पे इसकी रिवोल्ट। और मैंने बताया आपको पहले ही कि बेल्जियम ने हॉलैंड से अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे 1830 का रिवॉल्यूशन आपको ये भी बताता है कि भाई बेल्जियम अपने आप को हॉलैंड की चुंगुल से आजाद डिक्लेयर करा देगा। बेल्जियम बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम हॉलैंड। यू विल ऑल्सो सी दैट जर्मनी एंड इटली विच वर अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, क्योंकि इटली के 5 से 6 राज्य कौन कंट्रोल करता था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के 39 स्टेट्स का जो बिग बॉस हुआ करता था कौन? कि भाई ऑस्ट्रिया। और अल्टीमेटली आपको ये जानकारी मिलती है कि इटली और जर्मनी के लोगों का जो फीलिंग थी, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, वो दबाने वाला इंसान कौन था? कि ऑस्ट्रिया। एंड एज अ रिजल्ट मेटरनिक यहाँ पे जब इटली और ऑस्ट्रिया के अंदर थोड़ी बहुत विद्रोह होगा तो उनको दबाने की भी कोशिश करेगा कि भाई तू भी बंद हो जा, हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। बट यू विल सी कि मेटरनिक की जो विचारधारा थी वो विचारधारा को यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चैलेंज करते हैं। मेटरनिक तो इनको बहुत पीटा, दौड़ा दौड़ा के मारा सबको, बोले आप मेरे विरुद्ध में क्रांति करने आए हो 1815 में, एक तो इतना मजदूरी करके हम लोग ने यहाँ पे नेपोलियन को हराया है और फिर से पावर कैप्चर किया है। बट यू विल सी कि 1830 का रिवॉल्यूशन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज बोला जाता है कि इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ नेशनलिज्म। ये ऐसी एक चीज़ थी जो राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर गई, और बोलते हैं कि जो वियना सिस्टम, जो मेटरनिक सिस्टम, जो वियना कांग्रेस ने बोला था, उसी चीज का अभी एंड होने की शुरुआत हो। दैट वाज बिगिनिंग ऑफ एन एंड फॉर द वियना सिस्टम, और वो सिस्टम 1848 तक आते आते टूट जाएगी। और एक चीज मैंने आपको बताया 1848 का रिवॉल्यूशन, अब थोड़ा बहुत 1848 का रिवॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हमने आपको बता ही दिया है कि 1848 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि राजा को समाजवाद के कारण जो चेंजेस आ रहे थे वो पसंद नहीं थे, तो वो स्टेटस को रखना चाहता था, प्रजा चेंज लाना चाहती थी, और इसी के कारण दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। द फर्स्ट चेंज दैट टुक प्लेस इन फ्रांस वॉज द एंड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो खत्म होती है, फ्रांस फिर से रिपब्लिक बना। बोले फ्रांस बिकेम सेकंड रिपब्लिक। आप किताबों में पढ़ेंगे तो बोले फ्रांस 4 बार रिपब्लिक बना। बोले 4 बार गणतंत्र बना। बोले हर बार जो नया राजा आया और प्रजा ने उसके विरुद्ध में क्रांति की तो हर बार एक नया नया रिपब्लिक बनता था। 1792 में भी रिपब्लिक बना, 95 में भी बना, 98-99 में नेपोलियन भी बनाने की कोशिश करेगा। नेपोलियन तो बोलता ही था कि भाई आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। बोले मैं फ्रांस के गणतंत्र का राजा हूँ, रिपब्लिक भी है और एम्परर भी है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें थी। बट ऐसा भी चलता रहता था। बट 1848 के अंदर फ्रांस फिर से रिपब्लिक बनता है जब 1848 का रिवॉल्यूशन होता है। उसके बाद यहां पे मैंने आपको बताया कि नेपोलियन का भतीजा जिसका नाम था नेपोलियन III अज्यूम्स पावर एज द प्रेसिडेंट, एंड लेटर इन 1852 ही बिकम्स द एम्परर वंस अगेन।
तो वो फिर से ये जो रिपब्लिक बना था ना फ्रांस 1852 में, ये रिपब्लिकनिज्म वहां पे फ्रांस में खत्म कर देगा। तो एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर नेपोलियन 3 बार आता है कि भाई नेपोलियन 2 ही बार आया है, तीसरी बार जो आता है वो नेपोलियन का भतीजा था। ओके, तो वही उसकी लीनियत चलती रहती थी, वहां से ये सिस्टम चलती रहती थी। ओके, तो यहाँ पे ये नेपोलियन 3 1848 में ही पावर के ऊपर आ जाएगा, पहले प्रेसिडेंट बनेगा, 1852 में अपने आप को एम्परर बना देता है। बट 1848 का रिवॉल्यूशन का फायदा ये भी हुआ कि फ्रांस के अंदर जो लोअर क्लास था, क्योंकि समाजवाद जो सोशलिज्म नाम की जो विचारधारा थी वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही थी, इट वाज वेरी मच स्ट्रांग एट दैट टाइम, और इसने बहुत डेवलप कराया। थर्डली यू विल सी दैट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज इंक्रीज्ड, क्योंकि यहां पे फ्रांस की पब्लिक जो डिमांड कर रही थी कि वी वांट चेंज, और वो चेंज लाने की भी कोशिश की गई है। फ्रांस के अंदर समाजवाद भी आता है। फाइनली फ्रांस 1871 के अंदर तीसरी चौथी दफा रिपब्लिक बनता है, और उसके बाद फिर फ्रांस वहां पे स्टेबल होगा। तो फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बताया कि इट्स अ कंटिन्यूअस एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। थर्डली 1848 का रिवॉल्यूशन किस तरह से चला वो देख लेते हैं। यूरोप के अंदर जैसे 1830 में हुआ था कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई उसकी डोमिनो इफेक्ट देखने को मिली थी, यही डोमिनो इफेक्ट आपको फिर से यूरोप के अंदर भी देखने को मिलेगी। इटली, जर्मनी, हॉलैंड, हंगरी आदि इत्यादि कंट्रीज के अंदर फिर से लोग यहाँ पे वहाँ के जो शासकों के थे उनके जो रूलर्स थे उनके विरुद्ध में यहाँ पे क्रांति करेंगे। और उसके बाद लोगों का गुस्सा पर्टिकुलरली ऑस्ट्रिया के अंदर मेटरनिक के विरुद्ध में बढ़ गया, बोले इसको तो हम लोग बराबर का डंडा मार के यहाँ से भगाएंगे। ओके, सो पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट मेटरनिक, मेटरनिक के विरुद्ध में लोगों ने क्रांति की, एंड एज अ रिजल्ट मेटरनिक रैन अवे, और वियना कांग्रेस जो वियना जो संगठन था उसका एंड हो जाता है 1850 तक आते आते। तो यू विल रियलाइज कि एक ऐसा इंसान जिसने 1815 से लेके 1848-50 तक पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर अपना दबदबा बनाया था, उसको वहां की ही प्रजा भगा देगी ऑस्ट्रिया की, बोले तू निकल यहाँ से। ओके, सो यू विल सी कि मेटरनिक उसके बाद इंग्लैंड चला जाता है, ये जो भी लोग थे उनको वहां पे इंग्लैंड के अंदर पनाह मिल जाती थी। उस टाइम के अंदर इंग्लैंड के राजा बहुत ही उदार हुआ करते थे, बोले चल बेटा आजा, तू भी दो रूम का कमरा खाली है मेरे पास बकिंगम पैलेस के अंदर, वहाँ पे बिठा देता। ओके, इंग्लैंड के अंदर यूरोप के अंदर भी आपको जानकारी मिलती है कि समाजवादी जो विचारधारा थी उसका भी मल्टीप्लीकेशन हो, वो भी प्रोलिफरेटेड हो गए। ओके, सो एक एक करके मैंने आपको चीज़ें बता दी है 1830 और 1848 के रिवॉल्यूशंस अब किस तरह से होते हैं। अब देखेगा कि ये जो नेपोलियन थ्री था, ये नेपोलियन थ्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते। ओके, मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति इट्स नॉट एन इवेंट, इट इज़ अ लिविंग लेजेंड एंड इट इज़ अ प्रोसेस। वो प्रोसेस 1789 में शुरू हुआ, 1850 में थोड़ा उसको स्टॉप करने की कोशिश की, 1830 में वो फिर से नींद में से उठा, बोले नहीं मैं क्रांति करके ही रहूँगा। 1848 के अंदर फिर से उसको दबाने की कोशिश की, फिर से क्रांति हो गई। 1852 में होता क्या है कि नेपोलियन III फिर से यहाँ पे फ्रांस का राजा बन जाएगा। तो 1789 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक और राजा था लुई 16 मोनार्की के विरोध में ही हुआ था। और 1852 में फ्रांस देखोगे तो फ्रांस स्टिल हैविंग अ मोनार्क, बोले यहाँ पे भी फिर से एक राजा ही है। तो आपको जानकारी मिलती है कि फ्रांस में बीच बीच में इतने चेंजेस आए, इतनी चीज़ें ऊपर की नीचे चली गई, कुछ बात ही मत करो, बट 1852 में भी फ्रांस फिर से एक मोनार्की ही बन गया था। और फाइनली ये जो मोनार्की है वो टूटती कब है, तो वो टूटेगी 1871 के अंदर, जब फ्रांस का यहाँ पे फाइनली रिपब्लिक बनेगा। अब देखिएगा कि फ्रांस की मोनार्की टूटती है उसके पीछे दो कंट्रीज का यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि हाउ डिड द फ्रेंच फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि 1871 में जब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो ये दोनों की 200 कंट्रीज के लीडर्स ने यहाँ पे फ्रांस को कहीं ना कहीं कोई वॉर के अंदर, कोई बैटल के अंदर उनको खत्म किया था, उनको डिफीट किया था। उसके बाद ही, क्योंकि फ्रांस का अभी दबदबा कम नहीं था, 1852 के बाद भी फ्रांस का कंट्रोल अभी भी इटली के ऊपर था, जर्मनी के ऊपर था। और इसके लिए कारण इटली और जर्मनी के लोगों को लगता था कि फ्रांस को हराए बिना हम लोग का एकीकरण नहीं हो सकता। ओके, तो ये थोड़ी बहुत स्टोरी थी नेपोलियन III की, आपको जानकारी रहनी चाहिए। 1848 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद भी फिर से नेपोलियन पावर के ऊपर ही आता है। ओके, सो 1848 नेपोलियन बिकम्स द प्रेसिडेंट, 1852 नेपोलियन III बिकम्स द एम्परर ऑफ फ्रांस, एंड यू विल सी दैट ये 1848 से लेके 1871 तक चलता है। यहाँ पे जर्मन का यूनिफिकेशन होगा, फ्रेंको प्रशियन वॉर होगी, जर्मनी की आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे जो फ्रांस है वो फ्रांस
को हार हो जाती है, द फ्रांस गॉट डिफिटेड इन टू द फ्रेंको प्रशियन वॉर एंड एज अ रिजल्ट द एंड ऑफ द मोनार्की टेक्स प्लेस एंड फाइनली फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक इन 1871। तो फ्रांस का जो रिपब्लिकन बनने का जो 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 स्कोप था वो बहुत ही लंबा चलता है, और उसके लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा वो है आपका फ्रेंच एंड जर्मन सॉरी जर्मन एंड इटालियन यूनिफिकेशन। तो उसको जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि भाई फ्रांस किस तरह से रिपब्लिक बनता है। तो फ्रांस की क्रांति अभी तक बैकग्राउंड में चालू ही रहेगी मेरे दोस्तों, फॉलो करते रहिएगा जर्मनी और इटाली के यूनिफिकेशन के अंदर में। ओके।